नमस्कार दोस्तों, सुनील सरगम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का लेसन मैं बताने जा रहा हूँ कि बांसुरी पर जो सरगम है, सरगम में जो कोमल स्वर है, कोमल स्वर को कैसे बजाया जाए। दोस्तों, कोमल स्वर बजाने में जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो कोमल स्वर बजाने का इसमें टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप रियाज करेंगे। चार कोमल स्वर हैं, जैसे कोमल रे है, कोमल ग है, कोमल ध है और कोमल नी है। ये चार स्वर ऐसे हैं जो कि कोमल हैं और एक शुद्ध म है और एक तीव्र म है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि चार कोमल स्वर को कैसे बजाना है, शुद्ध मध्यम को कैसे बजाना है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, बांसुरी पर जब भी हम बजाएंगे तो कोमल स्वर को कैसे बजाना है। अब देख रहे हैं, जैसे मैं बजा रहा हूँ सरगम का, सरगम का सा, ये ऊपर का सा है दोस्तों। सा का सा एक सा और पा ये अचल स्वर होता है। सा का कोई कोमल नहीं होता है और पा का भी कोई कोमल नहीं होता है। ये स्वर ऐसे हैं, दो स्वर ऐसे हैं जो अचल होते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सा है, कोमल रे बजाना है। तो जैसे सारे सारे, उसी प्रकार से दोस्तों शुद्ध रे हो गया, उसके बाद कोमल ग बजाना है, रे ग, कोमल ग बजाना है। तो शुद्ध रे हो गया, शुद्ध रे रे ग में देख रहे हैं ग, उसके बाद शुद्ध ग, और शुद्ध ग बजाने के बाद आप शुद्ध मध्यम बजाएंगे। तो शुद्ध मध्यम बजाने का जो ग है, इसको आप यूँ खोलेंगे, आधा देख रहे हैं, यूँ खोलेंगे क्या बजेगा, शुद्ध मध्यम बजेगा। उसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे, इसको छव होल को बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद इसमें देखेंगे कि अगर प प ध ध, ये हो गया दोस्तों, उसी प्रकार से ये हो गया शुद्ध ध, और इसमें शुद्ध ध को अगर यूँ यहाँ खोलेंगे तो ये बजेगा कोमल नी बजेगा। इसको हटा देते हैं तो ये शुद्ध नी हो जाएगा, और इसको पूरा खोल देते हैं तो ऊपर का सा बजना शुरू हो जाएगा। जैसे कोमल स्वर को बजाने के लिए उस छिद्र को 25 से 30% आपको खोलना है, 25 से 30% खोलना है, पूरा नहीं खोलना है, तब जा करके वो कोमल स्वर बजेगा। जैसे कोमल रे हो गया, उसके बाद शुद्ध रे, कोमल का बजाने के लिए अशुद्ध ग बजाने के लिए इसको थोड़ा सा खोलेंगे दोस्तों, तो ये शुद्ध मध्यम बजेगा।
और उसके बाद प बजेगा दोस्तों। कोमलनी बजाना है, ये कोमलनी हो गया, शुद्धनी, ऊपर का सा, बजाने का टेक्निक। और आपको रियाज कैसे करना है दोस्तों, जैसे सारे 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 सारे, उसके बाद फिर से आप उल्टा आएंगे, रे सारे सारे सा, जैसे उसी प्रकार से कोमल ग हो जाएंगे। उसी प्रकार से शुद्ध मध्यम बजाना है, पा बजेगा दोस्तों, और कोमल धा बजाना हो, उसके बाद कोमल नी बजाने के लिए धनी धनी नी धनी ध शुद्ध ध और कोमल नी, शुद्ध ध कोमल नी, फिर कोमल नी शुद्ध ध, उसके बाद शुद्धनी, मंद्र सप्तक का कोमल बजाना है, तो कोमल मंद्र सप्तक का ध और मंद्र सप्तक का कोमल नी, जैसे देख लीजिए। दोस्तों ये है रियाज करने का सबसे आसान तरीका है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर मूवमेंट कराइए। और कोमल स्वर को मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ दोस्तों, कोमल रे बजाना है तो आप फिंगर को कैसे स्लाइड करेंगे, कि आप अपने साइड में खींचेंगे, ब्लोइंग होल की तरफ खींचेंगे, इधर खींचेंगे, देखिए ये हो गया, इसको खींचना कैसे है, इधर खींचना है, इधर खींचना है, सारे 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 स
सारे सारे उस प्रकार से गंधार को रे ग रे ग रे रे ग ये शुद्ध रे हो गया और कोमल ग शुद्ध रे कोमल ग। खींचना किधर है, जिधर सब फूंक रहे हैं उधर से रे ग रे ग रे ग उसी प्रकार से दोस्तों शुद्ध मध्यम बजाना है। तो ये है आपका शुद्ध ग है और इसको शुद्ध मध्यम बजाने के लिए ग म ग म ग म ग म ग म ग म देख रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार से कोमल ध बजाना हो अब देख लीजिए, इसको इधर ही खींचना है जिधर से हम फूंक रहे हैं आधा आधा। फिर आपको देखेंगे शुद्ध ध है और उसको खींचना किधर है नी धानी 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 नी धानी नी धानी नी धानी नी ध। इसके बाद देखेंगे धा धा पा पा धा धा पा धा पा पा धा पा धा पा धा। दोस्तों ये है कोमल स्वर बजाने का सबसे आसान तरीका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों रियाज करिए, जितने ज़्यादा आप उंगलियों को स्लाइड करेंगे ऊपर नीचे उतना ही कोमल स्वर अच्छा से बजेगा। दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा बताने का जो सरल तरीका है आपको कैसा लगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।